ना पता होता है कि हमारी जो है वो कौन सी चीज जो है वो वीक है या कौन सी चीज जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, दो चीज आपको नहीं आती है, सबसे पहले वो जाकर जो आप स्टडी करेंगे। ठीक है, जो भी स्मार्टफोन आप यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे लगे रहे, इंस्टाग्राम पे रील्स जो वो स्क्रॉल करते रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से स्वागत है यार आप सभी का आपके अपने छोटे से यूट्यूब चैनल आरकेएम में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप जो वो बीएससी कर रहे हैं तो आपकी जो एग्जाम की स्ट्रेटजी है जो आप प्लान करते हैं वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, एक बढ़िया एग्जाम स्ट्रेटजी जो है वो आपको बताऊंगा, कुछ एक पॉइंट जो वो आपके साथ जो वो डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अगर HPU की बात करें यानी कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसके एग्जाम जो वो आई थिंक 3 मंथ बाद जो होने वाले हैं, क्योंकि उसके एग्जाम जो वो मार्च एंड में या अप्रैल जो वो फर्स्ट वीक में जो वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे एवरेज मान के चले तो 3 मंथ है अभी आपके पास, यानी कि बहुत सारा टाइम जो भी आपके पास बचता है अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, अभी तक भी अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अभी शुरू कर दे, आज से ही आप जो वो शुरू कर दे तो आप जो वो कम से कम 85 या 90% तक जो वो मार्क्स या CGPA जो वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी प्लान स्ट्रेटजी जो है ये एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम स्ट्रेटजी आपकी किस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट को ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली बात है कि एग्जाम पैटर्न जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, उसका पैटर्न किस हिसाब से है। ठीक है, जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसका जो वो पैटर्न जो है वो एग्जाम का किस तरह से आता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपने एग्जाम पैटर्न को स्टडी करना है। ठीक है, कितने MCQ आएंगे, कितने सेक्शन में कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा पार्ट जो वो कंपल्सरी रहेगा, ये सारी चीजें आपको सबसे पहले एनालाइज करनी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है आपका सिलेबस। ये चीज आपने जो बिल्कुल दिमाग में रख लेनी है, सिलेबस आपने जो वो डाउनलोड कर लेना है उसी साइट से जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, उस साइट से आपने जो सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि HPU को बताऊं मैं तो HPU यूनिवर्सिटी की जो आप ऐसे लिखोगे सिलेबस फॉर BSc। ठीक है, तो पूरा जाता है वहां पे सिलेबस की आपकी कौन सी बुक आपने मतलब पढ़नी है। ठीक है, वो सब कुछ लिखा होता है वहां पे। तो सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा कि सिलेबस के ऊपर सबसे ज्यादा आपने फोकस करना है और उस सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए होंगे आपने उनको तैयार करना है। ठीक है, उनको आपने अच्छे से तैयार करना है। तो दो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, सबसे पहला आपको जो वो एग्जाम पैटर्न, ठीक है, दूसरा बता दिया सिलेबस करना है, तीसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इस पॉइंट को 3-4 स्टार लगा देना। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ये आपको आपने जो वो जरूर चेक करने हैं 5 साल के। ठीक है, 5 साल के अगर आप चेक कर लेते हो तो 50-60% जो कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनका 50-60% तक जो मार्क्स होते हैं वो इसी में कवर हो जाते हैं अगर वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम या जो सेमेस्टर एग्जाम होती है उनकी की होती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपने किसी भी हाल में करने ही करने हैं। ठीक है, किसी भी हाल में करने ही करने हैं। तो अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये वीडियो आप देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि एक मतलब ये वीडियो देखी उसके बाद थोड़ा मोटिवेशन आया और फिर जाके जो वो मोबाइल लग पड़े चलाने, ठीक है, स्मार्टफोन का यूज मतलब करने लग पड़े, तो ऐसा नहीं करना है। इस एग्जाम स्ट्रेटजी को जो वो लिख लेना है किस तरह से आपने प्लान करना है और उसी टाइम, ठीक है, उसी टाइम, ऐसा नहीं कि आप देख ली वीडियो तो कल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उसी टाइम आपने जो वो बैठ जाना है पढ़ने, बिल्कुल अच्छे से सिलेबस डाउनलोड करके एग्जाम पैटर्न देख के। ठीक है, अब हमारे पास 4th पॉइंट है कि नोट्स, ये सबसे ज्यादा जरूरी मेन चीज है। नोट्स जो आपके खुद के बने हुए होने चाहिए, मेरे लिए तो वो बेटर है। ठीक है, अगर आप जो वो नोट्स अपने हाथ से बनाते हैं, लिख के बनाते हैं तो वो सबसे बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि आपने उस चीज को जो एक बार लिख चुके होते हैं और जब दोबारा आप उस चीज को स्टडी करते हैं तो फिर से आपको क्या होता है वो चीज अच्छे से जो वो समझ आ जाती है। इसलिए अपने नोट्स, ठीक है, अपने नोट्स यानी कि खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स जो है आपके पास जरूर होने चाहिए। ठीक है, जरूर होने चाहिए। पॉइंट नंबर 5, ये क्या है, प्लान और टारगेट। हर एक डे में आप जो वो एक एक टारगेट जो प्लान करेंगे, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा ही टारगेट प्लान कर लिया कि आज मैं जो वो एक दिन में 2 चैप्टर खत्म कर दूंगा, ऐसा नहीं करना है। टारगेट को बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पोर्शन में आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, जिससे वो टारगेट जो है वो इजिली आप जो वो अचीव कर सके। ठीक है, तो इसलिए टारगेट को जो हमने बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पार्ट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल
एक दिन में हमने क्या करना है, एक चैप्टर है ठीक है, उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले हम वो करेंगे ठीक है। इस तरह से जो टारगेट आप अचीव कर सकते हो वैसा टारगेट जो है वो आपने सेट करना है ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि दो दो चैप्टर जैसे एग्जांपल दिया, वैसा नहीं करना है, बिल्कुल स्मॉल टारगेट जो आपने क्या करना है प्लान करना है ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं स्मॉल, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा टारगेट रख दिया जो अचीवेबल ही नहीं है ठीक है, जिसको आप अचीव ही नहीं कर सकते हैं। तो कोई ऐसा टारगेट रखना है जिसको आप जो वो अचीव कर सकते हैं, यानी कि स्मॉल स्मॉल टारगेट प्लान जो है वो आपने करने हैं ठीक है। पॉइंट नंबर हमारे पास 6 आता है, लोकेट योर वीक पॉइंट। बिल्कुल ध्यान से सुनना इस बात को, हमें अपना पता होता है कि हमारी जो है वो कौन सी चीज जो है वो वीक है या कौन सी चीज जो है वो स्ट्रॉन्ग है ठीक है। अब जो चीज जो हमें आती है वो मतलब पढ़ने में हमारा मन लग जाता है, और जो नहीं आती है उसमें हमें नींद आने लगती है। तो जो चीज आपको नहीं आती है सबसे पहले वो जाकर जो आप स्टडी करेंगे ठीक है। जो चीज आपको नहीं आती है, जो आपका वीक पॉइंट है, जैसे कि केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री मान लीजिए आपकी स्ट्रॉन्ग है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी जो वो वीक है। तो ऐसा नहीं कि आपने फिजिकल केमिस्ट्री में ही ध्यान देते रहना है, आपने सबसे पहले ऑर्गेनिक पढ़नी है ठीक है। जो हार्ड है आपके लिए वो सबसे पहले इजी से वो अंडरस्टैंड करनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड होती है, ये सब मानने की बात है ठीक है। आपने अगर आपने अपने मन से मान ली कि ये हार्ड है तो आपको हार्ड लगेगा, अगर मन से आपने मान लिया कि ये चीज मैं कर सकता हूँ तो इजी लगेगा, ऑब्वियस सी बात है आपके लिए। तो क्या है कि आपने जो वो लोकेट योर वीक पॉइंट, यानी कि आपने जो वो सबसे पहले क्या करना है, आपने वीक पॉइंट जो वो आपने क्या करने हैं, स्ट्रॉन्ग करने हैं ठीक है, जो भी आपके वीक पॉइंट है। अब बात है हमारे पास 7th पॉइंट की, जो मिनिमाइज ऑफ जो हमारा क्या करना है, स्मार्टफोन का जो वो कम से कम यूज करना है ठीक है। जो भी स्मार्टफोन आप यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे लगे रहे, इंस्टाग्राम पे रील्स जो वो स्क्रॉल करते रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी 3 जो है मंथ बिल्कुल ऐसे समझ लो कि कोई वॉर आ गया है ठीक है, तो लड़ाई करनी है 3 मंथ में, दूसरी वाली लड़ाई नहीं, एग्जाम के लिए ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना जो मिनिमाइज है यूज ऑफ स्मार्टफोन को क्या करना है, कम से कम यूज करना है ठीक है, कम से कम यूज करना है। फिर ऐसा नहीं कि चैट चूट करते रहे रात को 12 बजे तक 1 बजे तक और मूवी वगैरह देखी फिर सो गए, तो फिर ऐसा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं जो मैं बता रहा हूँ तो आपके मार्क्स जो वो अच्छे आ जाएंगे ठीक है, आपकी परसेंटेज भी जो है वो अच्छी आ जाएगी। अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास जो कि है 8th पॉइंट। आपने क्या याद रखना है कि आपने स्टार्ट किस लिए किया था ठीक है, व्हाई यू स्टार्टेड इन द बिगिनिंग, ये पॉइंट हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक दिन का मोटिवेशन आया और आपने उस दिन जो वो अच्छे से पढ़ लिया, चलो 2 दिन भी पढ़ लिया, तीसरे दिन आपको जो वो मोटिवेशन लैक हो गया ठीक है, फिर से आपने छोड़ दिया। तो उस टाइम पर आपने ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना है कि मैंने ये चीज जो वो क्यों स्टार्ट की थी ठीक है, क्यों आखिरकार मैं जो वो एग्जाम स्ट्रेटेजी देख के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ ठीक है। बीएससी करनी है आपने या इसलिए, या फ्यूचर बनाना है आपने इसलिए, तो वो आपने चीज अपने माइंड में जो वो जरूर रखनी है कि व्हाई यू स्टार्टेड इन द बिगिनिंग, आपने जो वो शुरुआत में क्यों शुरू किया था, ये सवाल अपने आप से पूछना है फिर से, और दोबारा जो उस चीज को क्या करना है, स्टडी करना है जिसके ऊपर आप जो वो लगे हुए थे ठीक है। तो ये है एग्जाम स्ट्रेटजी बीएससी स्टूडेंट्स के लिए। ज्यादा मतलब लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इतने ही पॉइंट है, अगर आप इनको अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं ठीक है, जो जो मैंने आपको पॉइंट बताए, तो आप जो वो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बीएससी में। तो अगर यहाँ से जरा सा भी नॉलेज गेन किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।